एमपी के पुनासा माधानता विधानसभा की हरसूद जनपद के ग्राम पंचायत मोहनिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल। विधायक नारायण पटेल का ग्रामीणों के द्वारा ढोल बाजे पटाखे फोड़कर किया गया स्वागत। दिलाई गई विकसित भारत की शपथ। गैस कनेक्शन देकर प्रधानमंत्री मोदी ने धुएं से महिलाओं को दिलाई है मुक्ति। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल केंद्र सरकार की प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा शुक्रवार को मांधाता विधानसभा के हरसूद जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहनिया पहुंची, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मंडता विधायक नारायण पटेल और जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पहुंचे और सांसद विधायक का ग्रामीणों के द्वारा कार्यक्रम स्थल के बाहर ही पटाखे फोड़कर ढोल बाजे फूलों के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा की शुरुआत मां सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण कर की गई। वहीं सांसद और विधायक के द्वारा सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से उनके नाम को जोड़कर लाभ दिलवाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य मोदी जी की गारंटी और इस यात्रा के माध्यम से जो मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिला है उन वंचित लोगों के लिए यात्रा आई है ताकि वो आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। जिसको घर नहीं मिला उसको घर मिलेगा, जिसको जो है आयुष्मान का कार्ड नहीं मिला उसको आयुष्मान का कार्ड मिलेगा, जिसको शौचालय नहीं मिले उसको शौचालय भी मिलेगी, जिसको अनाज नहीं मिला उसको अनाज भी मिलेगा, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन भी मिलेगी, और जो जो सरकार की योजनाएं हैं किसानों को किसान सम्मान निधि जिनका नाम नहीं है उनको किसान सम्मान निधि मिलेगी, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स भरने वाले हैं सरकार नौकरी करने वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो गरीब है गरीब को सरकार की योजनाओं को मिलने की गारंटी वाली यात्रा है। और इस यात्रा के माध्यम से लोगों में अपार उत्साह है। जो लोग रह गए हैं वो लोग आकर बेचारे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उनको रजिस्ट्रेशन होकर उनको सारी सुविधाएं मिलना शुरू होगी। आपके द्वारा देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।